8 बजे अपने निवास स्थान पर आपने देखा होगा कि चुनाव के नतीजे निकलने के पश्चात किस तरीके से टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ता वो हरण अधिकारी के घर में गए, घुस करके पहले अंदर घर में तोड़फोड़ की, महिलाओं को धमकाया, बच्चों को धमकाया, उनके ऊपर अटैक किया और मिसिज हरण अधिकारी जो हरण अधिकारी की पत्नी थी उनके मुंह पर वार किया, उनका दांत तोड़ दिया और बाद में हरण अधिकारी को वहां से निकालकर घसीटते हुए पीटते हुए इस रास्ते से उसको ले गए और रास्ते में पीटते पीटते उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए। मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो ममता जी चुनाव जीतने के बाद जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है वह बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। और टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि ये सारे घटना ये सोशल मीडिया में फेक न्यूज है। मैं चाहूंगा कि आपके कैमरे यहां से मेरे साथ गए थे और आपने देखा है श्रीमती हरण अधिकारी जी को किस तरीके से वो रो रही थी, उनका बच्चा बिलख रहा था और किस तरीके से उन्होंने सारी बातें हमारे सामने रखी। मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा मीडिया के लोगों से कि आप निष्पक्ष और सच्ची बात सारे देश को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर तानाशाही कहा था तो वो तानाशाही हमको दिख रही है, अगर हमने टोलाबाजी कहा था तो ये टोलाबाजी के ही सदस्य हैं जिनको ये डर था कि बीजेपी आएगी तो उनका दाना पानी समाप्त होगा और उनको ये टोलाबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। हमने कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अभी अभी लोग यहां पर बता रहे थे, उन्होंने नाम लेकर के कहा है, नाम की लिस्ट मुझे दी है और इनमें से एक भी व्यक्ति अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। ये बताता है कि यहां का कानून व्यवस्था, ये लिस्ट दी है जिसमें उनकी पत्नी ने बताया है कि कौन व्यक्ति आया था, किसके नेतृत्व में लड़ाई हुई, किन लोगों ने पीटा मारा और मारते मारते उनकी जान ले ली। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जायर नहीं जाएगी, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। सर, महिलाओं की तस्वीरें बहुत ही अलग तरीके से आ रही हैं। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बताओ, मैं सब जगह जा रहा हूं, हमारे महामंत्री आए हैं, हमारे दिलीप घोष जी हैं, हमारे लॉकेट चैटर्जी जी हैं, हमारी कैंडिडेट हैं यहां से, राहुल सिन्हा हैं, मुकुल दा हैं, सब लोग सभी कार्यकर्ताओं के घरों में जाएंगे और उनके परिवार को धारस भी देंगे, उनकी न्याय की लड़ाई अंतिम मोड़ तक लड़ेंगे और उनको न्याय भी दिलाएंगे और यहां बंगाल में न्याय स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। जहां तक बात आपने महिलाओं की है तो मैंने पहले भी कहा था, ममता जी के राज में सबसे ज्यादा रेप केसेस हुए, हमारे 3 दिन के अंदर 2 रेप केसेस टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ है, गैंग रेप हुआ, अभी तक 11 लोगों की हुई है। सबसे ज्यादा एसिड अटैक्स यहां पर हुआ, सबसे ज्यादा वायलेंस यहां पर हुआ, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस यहां पर हुआ, महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग यहां हुई है। ममता जी को इन सब चीजों के लिए लड़ने के लिए सोचना चाहिए था तो उन्होंने वही फिर से टोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही शुरू कर दी है और भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। और हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। और डरने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि डराने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप में वो ताकत नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोक सके। बंगाल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और उनके समर्थन को लेकर के जिनका नहीं मिला है उनको भी धन्यवाद मैं जरूर देता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की शांति और बंगाल की संस्कृति, ये बंगाल की संस्कृति है जो मैं देख रहा हूं चुनाव के नतीजे के बाद। यही तो मैं बोलता था, मेरी बात तो सच हो गई। और 5 बजे नतीजे आने शुरू हुए और 8 बजे घटना घट जाती है, तांडव नृत्य शुरू हो जाता है गुंडागर्दी का, तो यह बताता है कि बंगाल की संस्कृति ममता जी नहीं रिप्रेजेंट करती है, हम बीजेपी वाले करते हैं, ये मैं बताना चाहता हूं। और न्याय तरीके से, न्यायोचित तरीके से चुनाव ये लड़ाई लड़ी। धन्यवाद।